नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि का संज्ञान लिया, जिसमें प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया है। सीएम योगी ने इसको लेकर सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, साथ ही पूरी तत्परता से राहत कार्य को संचालित करने के लिए भी कहा है और पीड़ितों को राहत राशि तत्काल प्रदान करने का आदेश दिया है। वहीं सीएम ने फसलों के नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए हैं। दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर कानपुर से है, जहां भारी बारिश हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर हरदोई से है, जहां भारी बारिश देखने को मिली है और इस बारिश से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। बता दें, वहीं इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। ओलावृष्टि से जनहानि पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि का संज्ञान लिया है और पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जिसमें प्रभावित पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने इसको लेकर सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, साथ ही पूरी तत्परता से राहत कार्य को संचालित करने के भी लिए कहा है। बता दें, ओलावृष्टि और बारिश से जनहानि का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि का संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर संज्ञान लिया है। संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता से कार्य करने के लिए कहा है। बता दें, यूपी के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है, जिससे किसानों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। ओलावृष्टि से जनहानि का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर कानपुर से है, जहां बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हरदोई से है, जहां बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें, लगातार किसान फसलों की कटाई कर रहे हैं, वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि का संज्ञान लिया है। गौरव, आपको आवाज आ रही हमारी? गौरव से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें, बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, किसानों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। किसान लगातार फसलों की कटाई कर रहे हैं और इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हम जुड़ेंगे। गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि का संज्ञान लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है,
गौरव, इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? गौरव श्रीवास्तव से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बता दें, सीएम योगी ने इसको लेकर सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बारिश और ओला वृष्टि जनहानि से सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। बता दें, लगातार यूपी के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है और बारिश से किसानों की समस्याएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार किसान अपनी फसलों की कटाई कर रहे हैं और इस तरह लगातार बारिश हो रही है। और इस खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर निर्देश मयूर ये दिया गया है कि जिला अधिकारी है या तो जिसके अधिकारी, उनको कहा गया है कि जहाँ पर नुकसान हुआ क्षेत्र से जाए, पूरी सभ्यता का सभ्यता जाने का कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार यहाँ करने जा रही है। मौसम देर जा रही है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कहना है ये कि हम अभी तक कहते हैं किसानों को साथ है और यहाँ पर पूरा मौसम देगा, बीमा की राशि उसको भी दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो अगर नुकसान हुआ है जितना नुकसान है उसको मुआवजे जाएगा। और आपको बच्ची सरकारों की तरह यहाँ पर काम भी करने वाले हैं। अगर हमने किसानों के लिए बेहतर करने का काम किया है, किसानों की भलाई करने का काम किया है, चाहे किसान निधि की बात करें, चाहे किसान बीमा योजना की बात करें, तो चाहे मुआवजे की बात करें, जो हमने कहा है वो हमने किया है। और यहाँ पर अगर किसानों का नुकसान हुआ है उसी तरीके से समीक्षा भी होगी। समीक्षा के बाद जो खर्च है, नुकसान हुआ उसका भी यहाँ पर समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट जारी होगी। रिपोर्ट जारी होने पर यहाँ पर मौसम दिया जाएगा, सरकार किसानों की बात है और उससे उससे तैयार है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। संज्ञान लिया है और पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। बता दें कि यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है जिसको लेकर किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। ओलावृष्टि से जनहानि का सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इस तरह किसानों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि का खुद संज्ञान लिया है। जी मेरा उपेंद्र कानपुर में देखा है, तो कहीं ना कहीं जो आज सुबह से लेकर जो बारिश हो रही है, पूरी बारिश जो देखा जाए किसानों के लिए बिल्कुल जो फसल है, गेहूं की फसल खड़ी हुई है और उसके बाद देखा जाए तो काफी नुकसान जो है यहाँ पे लोगों का हुआ है। और जो सूबे के मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं कि जिनकी ज्यादा नुकसान हुई है उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, उस देखा जाए तो अपने कैमरा से महसूस करना चाहूंगा, दिखाए कि किस तरीके से जो यहाँ पे है पूरे क्षेत्र में जो गेहूं की फसल जो खड़ी हुई है, देखिए किस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ, किसानों का कितना नुकसान हुआ है। और देखा जाए तो 70-60% जो है जो फसल जो है लोगों की जो खड़ी थी वो नुकसान पे चली आ रही है। और उसके बाद देखा जाए तो बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है कि किसान जो है वो किसान पूरी तरीके से जो है परेशान है, क्योंकि देखा जाए पहले भी देखा जाए तो सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं मिला था और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से जो है किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है विभाग द्वारा, पर अभी पूरी सफलता नहीं मिली है किसानों को। उपेंद्र, जिस तरह से सीएम योगी ने पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, तो क्या इससे किसानों को कुछ मदद हो पाएगी?
जी मयूर आपको पता चला कि जो 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 दिया जा रहा जो जो मुआवजा दिया जा रहा है उस मुआवजा को लेकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को उतना लाभ नहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो अगर एक किसान जो है उसकी अगर क्षति ज्यादा होती है तो किसी किसान की क्षति कम होती है। उसकी भरपाई के लिए अगर देखा जाए तो कायदे से जो है कानपुर जिला प्रशासन जो है टीम गठित करे और देखा जाए जो आसपास जितने जो ग्रामीण किसान है किसानों से मिले और उसके बाद पूरी तरीके से देखा जाए तो उनको पूरे तरीके से जो नुकसान हो रहा है जो जुर्माना है वो जो है वो पूरे तरीके से दिया जाएगा। उपेंद्र, अभी कानपुर में बारिश की कैसी स्थिति बनी हुई है? मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है बारिश को लेकर? जी मैं बता रहा हूँ कि मौसम विभाग द्वारा जो है वो अभी 21 तारीख तक की जो है मौसम पूरा अलर्ट जारी किया गया है। कभी बारिश होती है, ओले हो सकते हैं, मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पर वही कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो किसान है उनका काफी नुकसान होता चला रहा है। हमारे साथ एक किसान साथी खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू यादव है। गुड्डू जी बताइए किस तरीके से लेकर जो किसान ये नुकसान हुआ है ये आसपास क्षेत्र में लगभग कितने कह दिया जो परिवार किसान यहाँ रहता है? किसान यहाँ बहुत हैं और किसानों से ये है कि अभी जो थोड़ा हुआ है आज तो पहला दिन है तो इतना नुकसान दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं, ओले की वजह से किसानों का ज्यादा नुकसान है। लाई और गेहूँ की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर देखा है तो इस टाइम तो देखा है तो लाई की जो है फसल कट चुकी है, खेतों में पड़ी हुई है, उसको लेके जिस बारिश हो रही है उसको लेके कितना नुकसान हो जाएगा लाई में? अगर लाई मान लो कट के पड़ी हुई है खेतों में उससे भी नुकसान है क्योंकि पानी गिरेगा तो वो चटकती है, उससे भी किसानों का नुकसान बहुत ज्यादा है। जी अगर देखा है तो पानी कहीं ना कहीं जो है लाई के लिए काफी नुकसान है किसान का कहना है। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। बता दें यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश किसानों के लिए समस्या बन गई है। वहीं इसको लेकर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है और पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लगातार बारिश देखने को मिल रही है और किसान अपने फसलों की कटाई कर रहे हैं, वहीं बारिश मुसीबत बनकर सामने खड़ी है। वहीं मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि से जनहानि का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। बता दें पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की समस्या बढ़ी हुई है। बता दें इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और ट्वीट कर अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने फसलों के नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें ओलावृष्टि से जनहानि पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। पूरे प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही है, प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है और ये बारिश किसानों के लिए आफत बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसानों की फसलें बर्बाद हुई है बारिश के कारण। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक शुरू हुई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा अपर मुख्य सचिव मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज भी बैठक में उपस्थित हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक शुरू हुई है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा अपर मुख्य सचिव मौजूद हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज भी बैठक में उपस्थित हैं। पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी शामिल हुए हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल, बैठक शुरू हुई है और बिजली प्रबंधन को लेकर और बिजली के संकट को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी बैठक बुलाई गई। तमाम बड़े अधिकारी बात करें, चाहे एम देवराज की बात करें और चाहे नगर विकास ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की बात करें और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद है।
और जिस तरह से हड़ताल हुई थी, हड़ताल के बाद लगातार यहाँ पर चीजें खराब हो रही थी। और अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में तमाम जगह के पीटा डाउन थे और बिजली संकट लोग झेल रहे थे। गर्मी का समय आ चुका है, गर्मी का समय अगर बिजली संकट होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रबंधन तो देगा कि सरकार लगातार बोल रही है कि 24 घंटे यहाँ बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर अगर बिजली प्रबंधन की बात करें, बिजली संकट की बात करें, तो लगातार यहाँ पर अगर संकट हो रहा है तो मुख्यमंत्री ने इसको कड़ा इतना जताया और यहाँ पर बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक चल रही है, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है, पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद है, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा मौजूद है, चेयरमैन M देवराज मौजूद है, इसी तरह तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है और मुख्यमंत्री यहाँ पर कड़ी सरकार है यहाँ निर्देश भी देंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजली संकट हो रहा है, क्योंकि संकट हो रहा है जो कंपनी अच्छी कंपनियां हैं, क्या उनसे लाइट बराबर नहीं मिल पा रही है, जो बैटरी हड़ताल हुई थी उनको हड़ताल के खिलाफ भी यहाँ पर कठिन कार्रवाई देने के निर्देश दिए गए हैं। और मेरा मानना है बैठक के बाद बड़े आदेश भी सकते। गौरव, अगर देखा जाए तो बिजली कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं, वहीं इस पूरे मामले पर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। अब बैठक हो रही है सीएम आवास पर, तो क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? हड़तालियों की बात करें, जो बिजली कर्मी उनकी हड़ताल हुई थी, हड़ताल के बाद बातचीत किया है कि 14 मार्च को बातचीत हुई थी, 16 मार्च को बातचीत हुई थी, उससे बातचीत बेनतीजा निकली थी और लगातार यहाँ पर हड़ताल थी और तमाम बड़े अधिकारी हड़ताल में शामिल थे। उसके बाद 400 प्रशिक्षकों की कहा गया था कि 400 प्रशिक्षक ट्रेनिंग रहेंगे, वो बिजली का प्रभार संभालेंगे जिससे व्यवस्था चलती रहे। उसके बाद फिर अगर हम अन्य जिलों की बात नहीं भी करते हैं, तो अगर मंडी की तरफ अगर लखनऊ की बात करते हैं, राजधानी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर तमाम जगहों पे बड़ी जगहों पे क्लियर हो गए हैं और बिजली संकट लोगों ने झेला तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी उनका फोन भी नहीं उठा था। जबकि बाद लगातार मुख्यमंत्री देख रहे थे कि यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है, तो तमाम सख्त रवैया अपनाएंगे, यहाँ तक की रास्ता लगाने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी यहाँ पर की। और मुख्यमंत्री ने कहा था, ऊर्जा मंत्री भी बोल चुके थे कि यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाए, रास्ता भी ला सकते हैं और बातचीत करें, बातचीत का हल निकाले। हड़ताल करना कहीं ना कहीं हमारे लिए व्यवस्थित नहीं है, खासतौर से बिजली का की जो नियमित जरूरत है उसको लिए अगर हड़ताल करेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें उससे डिस्टर्ब होती है, उससे समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री बैठक यहाँ पर आपात बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री आपात बैठक के माध्यम से हो सकता है क्योंकि बड़े निर्देश यहाँ पर देते नजर आए। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। बता दें बिजली कर्मी लगातार अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, वहीं इस पूरे मामले पर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। वहीं आज सीएम आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में जारी है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोलकाता में जोरदार स्वागत किया गया। बैठक के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी भी कोलकाता पहुंचे हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में अगले लोकसभा चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोलकाता में जोरदार स्वागत किया गया है। बैठक में तमाम बड़े दिग्गज शामिल हुए हैं और इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में शुरू हो गई है, क्या कुछ खास है इसमें? बता दें कि समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो 2 दिन तक चलने वाली है, यानी आज से वो शुरू हो रही है और 19 मार्च तक चलेगी। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो है वो कोलकाता में हो रही है और इसमें तमाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है वहाँ पे मौजूद हो गए हैं। और आपको बता दें कि कल अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कल मुख्यमंत्री जो कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और उनका ये मानना है कि अगर ममता बनर्जी उनके साथ आ जाती हैं तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो बीजेपी के विजय पत्र रोकने में कोई मुश्किल नहीं होगा। आपको बता दें कि जो पूरा जो कार्यकारिणी है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव है 2024 के उसको लेकर ये बैठक ही की जा रही है। इस बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें मयूरी कि इसमें जो हर प्रदेश अलग अलग राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद होंगे और सभी अध्यक्ष अपने अपने प्रस्ताव रख सकते हैं। वही अब बात करें सपा के
गृहों में ये विकास नागरिक प्रस्ताव रख सकते हैं और साफ तौर पर कहना है कि ये जो बैठकें हो रही है काफी अहम बैठक है और ये बैठक जो है तो अभी चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से समाजवादी पार्टी कर रही है। वही साथ में आपको बता दें कि ये जो ये कार्यक्रम जो बैठक है जिसमें समाजवादी पार्टी के जो जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हम 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारा मेन फोकस है बिहार के 40 लोकसभा सीट और कोलकाता के 42 सीटों पर। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एक कार्यक्रम में जो अखिलेश यादव उनकी जो पत्नी है मैं किसान सदो दोनों लालू यादव की बेटी से मुलाकात की और कुछ राजनीतिक मुद्दे पे भी चर्चा हुआ था। ऐसी तमाम खबरें जो आ रही है कार्यकारी बैठक में होने वाली है और तमाम राजनीतिक मुद्दे और आर्थिक मुद्दे का प्रस्ताव उस पर रखा जा सकता है। सुहानी देखा जाए 2024 के चुनाव के लिए सपा के तमाम बड़े नेता मिलकर रणनीति बनाएंगे और पार्टी को शिवपाल यादव का भी साथ मिल चुका है तो अब के क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? जी मैं आपको बता दें कि ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें सभी पार्टियां जो दूर से तैयारी कर रही हैं ये जो लोकसभा का चुनाव है काफी अहम बताया जा रहा है। वही जो हर राज्य में चुनाव होने वाला है विधानसभा तो उसको भी लेकर तैयारियां जोरों शोर से है और सभी जो यहाँ के पार्टी है उसी में भी तैयारी कर रहा है। और ये जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कमर कर चुकी है और हर राज्य में जाकर अलग अलग दौरा कर रही है। वही आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव हैं उन्होंने भी पार्टी में रणनीति अपना रहे हैं और जब बैठक भी कर रहे हैं उसके दौरे कर रहे हैं और तमाम ऐसी जो बैठकें हो रही है और उसमें राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वही विपक्ष पार्टियों को घेरने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। वही बता दें आपको कार्यकारी बैठक में जो जांच एजेंसी है उस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है। तो विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी को पूरी तरह से घेरने की तैयारियों में है और हर मुद्दे पे सवाल उठाएगी और उस पर चर्चा। जी धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कोलकाता में आज सपा की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जिसमें तमाम बड़े दिग्गज शामिल हुए हैं। बता दें कोलकाता में अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील सदर पहुंचे जहां उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही समाधान दिवस में आए सभी शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। वहीं अधिकारियों से शिकायतकर्ताओं को कॉल करके फीडबैक लेने के निर्देश दिए। खबर राजधानी लखनऊ से है जहां कोरोना ने दस्तक दे दिया है। बता दें कोरोना के 3 और मरीज मिले हैं। अब तक राजधानी में कुल 8 कोरोना मरीज मिल चुके हैं जिसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने मास्क लगाने की अपील की है। 1 महीने में कोरोना के 3 मरीज मिल चुके हैं जिसको लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं बता दें कि सभी मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने 48 संगठनों को निर्देश दिया है। बता दें कि विद्युत विभाग के सभी 48 संगठनों को हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया गया है। एजेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया गया है। लखनऊ में डॉक्टर परिवार के घर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि K4 शालीमार गार्डन वे IIM रोड पर एक डॉक्टर परिवार के घर में लाखों की चोरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक शालीमार में चारों तरफ कैमरे और 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। इसके बावजूद चोरों ने लाखों का सामान पार्क किया है। वहीं डॉक्टर परिवार के घर की तरफ के कैमरे बंद भी बताए जा रहे हैं। इस मामले में सिक्योरिटी गार्ड की मिली भगत की भी बात सामने आ रही है। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अध्यापिका की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि कस्बा के थाना रोड नॉर्मल कॉलोनी में रहने वाली अध्यापिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई जिसके सूचना पर COR के तिवारी ने नॉर्मल कॉलोनी पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फॉरेंसिक टीम ने घटना की जानकारी कर कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि ससुरालीजनों का कहना है कि मृतका की अचानक तबीयत खराब
होने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी उसकी रास्ते में मौत हो गई। वहीं स्वजनों ने ससुराली जनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला ये है कि कल रात को मेरी 9 बजे के फिर में बात हुई, वीडियो कॉलिंग हुई, तो कहा कि पापा ठीक नहीं चल रहा यहाँ, तो मैंने कहा कल बेटा आऊँगा मैं, और काफ़ी दान दहेज के साथ 29 जनवरी 2016 में शादी की थी, सामर्थ्य ज़्यादा वो दिया था, सर्विस में हूँ होते हुए मैंने काफ़ी दान दहेज दिया। अभी पिछली साल 2022 में 3 लाख रुपया मैंने उस पर भेजा, उसका ATM वगैरह सब तोड़दाड़, ATM वगैरह सब छीन लिया, उसको सही सलामत नहीं रखते थे उसके मतलब महेंद्र सिंह और टिंकू सन ऑफ नक्सीलाल। कानपुर देहात में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग किसान को अधिकारियों ने कागजों पर मृत घोषित कर दिया। वह अब किसान खुद को जीवित साबित करने के लिए सालों से अधिकारियों के चौखट के चक्कर काट रहा है। बुजुर्ग किसान खुद को जीवित साबित करने के लिए तहसील के अधिकारियों से लेकर DM से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन अधिकारी इस बात को लगातार नजरअंदाज करते आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बुजुर्ग किसान ने कानपुर के मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर को भी प्रार्थना पत्र देकर खुद को जीवित करने के लिए गुहार लगाई है, जिसके बाद आयुक्त ने DM CDO को जांच सौंप रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन आज तक ना तो जांच हुई ना ही कार्रवाई। किसान आज भी अधिकारियों के चौखट काटने को मजबूर है। और हमको मतलब वृद्धा पेंशन में मृत घोषित कर दिया है, हम 3 साल से बराबर चक्कर लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मृत घोषित कर दिया आपने? मृत कब किया घोषित? जो करो 7 मार्च 2020 से। अच्छा, 8 तारीख देख के आएगा। कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया आपने? DM साहब का दो, और का नाम कमिश्नर में दिया, कमिश्नर साहब का। कानपुर में कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं भाई। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, अफसरों ने कागजों पर बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया है, वहीं अब बुजुर्ग अधिकारियों के चौखट के चक्कर लगा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? कानपुर में अफसरों ने कागजों पर मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद बुजुर्ग अधिकारियों के चौखट की चक्कर लगा रहा है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए बुजुर्ग अधिकारियों के दरवाजे की चक्कर काट रहा है। बता दें, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन आज तक ना तो जांच हुई ना ही कार्रवाई। किसान आज भी अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने को मजबूर है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, अफसरों ने कागजों पर किसान को मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद किसान अधिकारियों के लगातार चौखट के चक्कर काट रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बता दो कि जो व्यक्ति दिख रहा है वो मतलब पिछले 3 सालों से लगातार DM कार्यालय से लेके शहर के जितने भी कार्यालय हैं जिससे संबंधित उससे कार्य हो सकते हैं, वो लगातार ये आग्रह कर रहा है कि मैं जिंदा हूँ और जो मुझे जो पेपरों पे मरा घोषित कर दिया गया है, तो कृपया मुझे वाकई में पेपरों में भी जिंदा कर दे, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो लगातार परेशान है और पीड़ित है। कहीं ना कहीं इस कुंभकर्णी सरकार में और जिस तरीके से कुंभकर्णी नींदों में जो अधिकारी सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको जगना चाहिए और जग के देखना चाहिए कि आखिर आदमी की स्थिति क्या है। और हालांकि कल वो DM के पास गए थे, DM ने आश्वासन दिया है कि आपके जो भी पेपर इनकम्प्लीट है उनको पूरा किया जाएगा। जी, धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। फरीदाबाद में NIT की ऑटोफिन की झुग्गी में डिपो होल्डर पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने डिपो होल्डर पर ताबड़तोड़ वार किया, सारी वारदात CCTV में कैद हो गई है। घटना का CCTV फुटेज भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि घायल डिपो को होल्डर को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
लखीमपुर खीरी के मितौली कस्बे में एक बारात में विवाद हो गया, जिसमें दूल्हे के भाई सहित कई लोगों के सिरों में चोटें आई है। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है कि आपको बताते चलें कि मितौली कस्बे के बड़े किराना व्यापारी शहनूर के भाई की बारात मितौली कस्बे के एक मोहल्ले में आई थी, जिसमें डांस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मोहल्ले की दबंग किस्म के लोगों ने जमकर बवाल काटा। विवाद में दूल्हे के भाई सहित कई लोगों को चोटें आई है। बारात के दौरान मारपीट होने से मौके पर हंगामा मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने का भी प्रयास किया। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।